तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी के स्पेशल सीरीज एल्गी में आप सबका स्वागत है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक रेड एल्गी और द मेंबर ऑफ ए रोडोफाइसी ग्रुप पॉलीसाइफोनिया। रोडोफाइसी ग्रुप जो है, इसके मेंबर्स अधिकतर समुद्र में रहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटिन्स जंथोफिल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर फ्लोरिडिन स्टार्च प्रेजेंट होता है, विच इज़ ए स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसके अलावा जो इसका थैलस होता है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स थैलस होता है, और इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये सारी रोडोफाइसी की क्वालिटीज़ हैं जिनको लेते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंबर ऑफ ए रोडोफाइसी पॉलीसाइफोनिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, द डिवीजन ऑफ द पॉलीसाइफोनिया इज थैलोफाइटा, इट्स क्लास इज रोडोफाइसी रेड एल्गी, देन सब क्लास इज फ्लोरिडी, इट्स ऑर्डर इज सिरेमियल्स, फैमिली इज रोडोमेलियसी एंड द जीनस इज पॉलीसाइफोनिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ पॉलीसाइफोनिया। अबाउट 200 स्पीशीज हैं पॉलीसाइफोनिया की जो वर्ल्ड में समुद्रों में मिलती हैं, और लिटोरल सब लिटोरल एरियाज़ में ब्रैकिश एस्चुराइज जहाँ पर समुद्र और नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर मिलती हैं, टाइडल मार्शेज में जहाँ ज्वार भाटा आता है और आसपास दलदल बन जाते हैं उन जगहों पर मिलती हैं, वहाँ के आसपास के तालाबों में मिलती हैं। और इसके अलावा इसकी एक नेचर होती है कि ये होती हैं एपीफिटिक इन नेचर। एपीफिटिक का मतलब मैंने आपको बताया है ऐसी एल्गी जो दूसरी किसी भी प्लांट के ऊपर सर्वाइव करती है। अब यहाँ देखिए, पॉलीसाइफोनिया अर्सिलेटा जो है वो प्रेजेंट होगी ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया की पत्तियों के ऊपर। इसी तरह से पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा जो है वो पाई जाएगी एस्कोफिल्लम नोडोसम नाम का जो प्लांट है उसकी फ्रॉन्ट्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। इसी तरह से पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा है जो कि मैंग्रोव्स की रूट में चिपकी हुई पाई जाती है। नाउ इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया थैलस। पॉलीसाइफोनिया के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे जो पौधे होते हैं पॉलीसाइफोनिया के, रेड कलर के आपको ब्रांचेस दिखाई देते हैं समुद्र में, और बहुत ही गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लगता है पंख फैदर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके दिखाई देते हैं हमको, और ये हेटरोट्राइकस टाइप का होता है, विषम तंतु की होता है जिसमें कि एक प्रोस्टेट ब्रांच और एक इरेक्ट ब्रांच प्रेजेंट होती है। अगर हम इस पूरे प्लांट को देखें तो इसमें नीचे राइजोड्स होते हैं, देन मैन एक्सिस और ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बाहर से हमें ऐसा देखने को दिखता है। अगर हम इसके राइजोड्स को ध्यान से देखें तो इसके राइजोड्स के नीचे की तरफ एक अटैचमेंट डिस्क होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेप्टेरा। तो यहाँ एक प्रोस्टेट ब्रांच और एक इरेक्ट ब्रांच दोनों निकली हुई होती हैं, इसलिए हम इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हेटरोट्राइकस टाइप का थैलस कहते हैं। अब देखिए, अभी तक जो आप एल्गीज पढ़ रहे थे वो बहुत ही सिंपल टाइप की एल्गी थी, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप्स में आगे की तरफ जाते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, अगर हम मैं उसको जूम करके देखती हूँ तो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर ये एपिकल सेल, इसके चारों तरफ निकले हुए होते हैं छोटे छोटे ट्राइकोब्लास्ट या एक लॉन्ग ब्रांचेस। और एक ख़ास बात आप देखिए कि यहाँ एक सेंट्रल एक्सिस है जिसमें कि सेल्स वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, और वहीं साइड से ही दूसरी ब्रांच निकलती है, इन्हीं सेल्स में से दूसरी ब्रांच निकल करके आती है। अब इस पोर्शन को मैं और जूम करती हूँ, जब मैं इस पोर्शन को और जूम करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जो इसकी सेल है, इस सेल में आपको नज़र आता है एक न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स किनारे लगे हुए हैं, किनारे इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी सी वैक्यूल होती है, तो सारे क्रोमेटोफोर्स किनारे लगे हैं। और आप देखिए ये ऊपर से नीचे की सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, देखिए पिट कनेक्शन एक वर्ड यहाँ आएगा, पिट कनेक्शन का मतलब ऊपर से नीचे की सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और ये जो सेंटर में बना हुआ है, ठीक है, ये जो सेंटर में बना हुआ है दिस वन, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल साइफन। और सेंट्रल साइफन के इधर और इधर जो बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं पेरी सेंट्रल साइफन। तो ये सेंट्रल साइफन है मुख्य अक्ष जो बना रहा है मेन एक्सिस में, बीचों बीच
पेरिसेंट्रल साइफन और उसके दोनों तरफ जो प्रेजेंट हैं दे आर पेरिसेंट्रल साइफन। अब आप एक खास बात देखिए, खास बात ये है कि ये जो पिट कनेक्शंस हैं ये सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, साथ ही हमें देखने को मिलती है यहाँ पर ब्रांचेस। अब मैं ये जो एक सेल है अगर इसको और जूम करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न। ये जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज सेंट्रल साइफन, दिस इज पेरी सेंट्रल साइफन, दिस इज पेरी सेंट्रल साइफन। सो देर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ पेरी सेंट्रल साइफन ऑल्सो, दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। देर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन द सेंट्रल साइफन एंड पेरी सेंट्रल साइफन, ये देखिए बीच में कनेक्शन बने हुए हैं, दे हैव देयर ओन कनेक्शंस। यहाँ सब जगह कनेक्शंस बने हुए हैं, तो दीज कनेक्शंस आर पिट कनेक्शंस, ओके। और पिट कनेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब ये सेल्स एक दूसरे के साथ बन रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, तभी वहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन पूरा नहीं होता, थोड़ा पोर्शन छूट जाता है और उसी से पिट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से बनने वाले जो पिट होते हैं दे आर नोन एज द प्राइमरी पिट्स, ओके। यहाँ जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं ये साइड में बाकी की सेल्स जो कि इसके आगे की तरफ निकली हुई, आपके एक्सेस के बाहर की तरफ निकली हुई ब्रांच से जुड़ी हुई होंगी, उन सेल्स से भी कनेक्टेड रहती हैं। ये वाली जो सेल्स होती हैं दीज आर कॉर्टिकल सेल्स, तो कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसेंट्रल सेल्स के बीच में जो पिट कनेक्शंस होते हैं दे आर सेकेंडरी कनेक्शंस, और पेरिसेंट्रल और सेंट्रल सेल के बीच में जो पिट कनेक्शंस होते हैं दे आर प्राइमरी पिट कनेक्शंस। तो अगर हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आप देखिए यहाँ क्रोमेटोफोर्स हैं, और जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं दे आर फिल्ड विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन्स, बिलीफेरोप्रोटीन्स, और बिलीफेरोप्रोटीन्स यहाँ जो हैं वो होंगे आर फाइको इरेथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। इसके अलावा इसमें भरा हुआ होता है फूड मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। इसकी अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स बीच में होती हैं, इसलिए जो जितना भी पोर्शन क्रोमेटोफोर्स या न्यूक्लियस का होता है वो साइड में ही प्रेजेंट होता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो पॉलीसाइफोनिया बच्चे पढ़ते हैं तो वो इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट्रल, पेरिसेंट्रल, प्रोस्टेट, इरेक्ट, ऐसे टर्म्स में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, हमने अभी तक जितना पढ़ा है हम उसको सम अप कर देते हैं। देखिए पॉलीसाइफोनिया का थैलस है, हमको हमने पढ़ा कि इसमें होंगे राइजोइड्स, ब्रांचेस एंड मेन एक्सेस। जो राइजोइड्स होंगे दे आर इलोंगेटेड, अनसेप्टेड एंड हैव लोब लाइक हेप्ट्रा एट देयर टिप्स, किनारों पर उनके हेप्ट्रा प्रेजेंट होंगे। देन ब्रांचेस, अब ब्रांचेस या सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, दे हैव टू काइंड ऑफ द ट्राइक्रोम सिस्टम्स, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट किसको कहते हैं, क्रीपिंग, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। देन अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा है, लेटा हुआ है, तो डेफिनेटली दे हैव राइजॉइड्स। इरेक्ट सिस्टम, इसमें अपराइट सिस्टम होगा, सीधा खड़ा होगा, इसके अंदर मेन एक्सिस होगा, ब्रांचेस होंगी। ब्रांचेस दो तरीके की होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस में अभी मैंने आपको पढ़ाया इट हैज सेंट्रल साइफन एंड पेरिसेंट्रल साइफन, और जो पेरिसेंट्रल साइफन और सेंट्रल साइफन है दे बोथ आर कनेक्टेड विद ए पिट कनेक्शन, ये शब्द बार बार आपके यहाँ आएगा। तो देखा जाए तो मेन एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ द इरेक्ट सिस्टम। अब ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रांचेस दो तरीके की होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यूनि एक्सियल होंगी, पेरिसेंट्रल साइफन एब्सेंट होगा। यूनि एक्सियल का मतलब ये हो गया कि एक्सिस एक ही रहेगा, तो एक एक्सिस रहेगा तो ओनली सेंट्रल सिस्टम होगा, पेरिसेंट्रल सिस्टम एब्सेंट रहेगा। देन दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसी तरह से जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, बेसल पार्ट इज पॉलीसाइफनस, ठीक है। पॉलीसाइफनस का मतलब क्या है, साइफन मतलब नलियाँ, पॉली मतलब बहुत सारी नलियों से बना है। तो मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि ये मेरी सेंट्रल सिस्टम है, तो मेरी ये दो जो पेन है, ये जो दो पेन मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये जो ब्लैक पेन हो गए, ठीक है,
ये जो दो ब्लैक पेन हो गए ये क्या हो गए, पेरी सेंट्रल सिस्टम, ठीक। दिस इज़ पेरी सेंट्रल सिस्टम, दिस इज़ पेरी सेंट्रल सिस्टम, और जो सेंटर में जा रहा है दिस इज़ सेंट्रल सिस्टम। तो पॉली साइफन मतलब नली, पॉली मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी नलियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉली साइफोनिया है, ठीक है। एंड दे द ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज थैलस, अबाउट द थैलस स्ट्रक्चर। अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल की बात करती हूँ तो सेल में क्या होगा, देखिए इट हैज़ सेल वॉल, और तो बाकी सब है ही प्रेजेंट। मेन जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है उसकी बात है, और जिसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो सेल वॉल, क्रोमेटोफोर्स एंड फूड। सेल वॉल में खास बात क्या है, आउटर लेयर जो है वो प्रैक्टिक है एंड द इनर लेयर इज सेल्यूलोजिक इन नेचर। सेल्स आर कनेक्टेड विद द पिट कनेक्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। नाउ क्रोमेटोफोर्स में क्या क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन्स, बिली फेरोप्रोटीन्स, आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर फाइको साइनिन। आर फाइको एरिथ्रिन जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट ईयर में, खासतौर से आ जाता है, वाई रेड एल्गीज लुक्स लाइक रेड कलर। तो रेड कलर क्यों दिखाई देता है उनका, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन। नेक्स्ट वन इज फूड, दे हैव फ्लोरिडिन स्टार्च एज ए फूड मटेरियल। ये क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इधर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। देन वॉट इज़ द पिट कनेक्शन, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि पिट कनेक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, पिट कनेक्शन क्या होता है। द कनेक्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड पेरिसेंट्रल सेल इज पिट कनेक्शन, और बिटवीन द सेंट्रल सेल्स ऑल्सो। तो प्राइमरी पिट कनेक्शन एंड सेकेंडरी पिट कनेक्शन, दो तरह के पिट कनेक्शंस होते हैं। प्राइमरी पिट कनेक्शन में क्या होता है कि सेंट्रल और पेरिसेंट्रल सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है इट इज़ प्राइमरी पिट कनेक्शन। और क्यों बनता है ये, इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसी तरह से सेकेंडरी पिट कनेक्शन होता है जो बनता है पेरिसेंट्रल सेल और कॉर्टिकल सेल्स के बीच में, और इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द ऑब्लिक सेप्टा। इंट्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको आउटर आउटलाइन इसकी सारी बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ बनते हैं मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, और ये डायोशियस टाइप का होता है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो हैं वो अलग अलग प्लांट के ऊपर लगे हुए होते हैं। जिस जो प्लांट अपने ऊपर मेल पार्ट को धारण किए हुए है उसे हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, ऐसा पौधा, फाइट माने पौधा, जिसने अपने ऊपर मेल गैमेट्स को धारण किया हुआ है। इसी तरह से दूसरा होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगा हुआ होता है। तो यहाँ जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है स्पर्मेंशिया, ठीक है, ये है स्पर्मेंशिया। और स्पर्मेंशिया जो है, जिसे हम एंथेरिडियम पहले कहा करते थे, जो स्पर्मेंशियम है इसी के स्पेरिकल शेप का होता है, ऑब्लॉन्ग लंबा लंबा सा होता है, ओवल शेप का, यूनिसेल्युलर होते हैं, एंड दे डेवलप्स मेल गैमीट स्पर्मेशियम। ओके, मेल गैमेट स्पर्मेशियम और एग का फ्यूजन होना है यहाँ पे। फीमेल पार्ट जो होता है इट इज़ कार्पोगोनियम, और जो कार्पोगोनियम है ये ऐसी सुराही जैसी शेप की होती है, इसके ऊपर एक नेक होती है जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, और नीचे की तरफ एग सेल प्रेजेंट होती है। इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद एक नई स्टेज जो अभी तक किसी भी एल्गी में आपने नहीं पढ़ी वो आती है, कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है कि ये फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही लगता है, यानी समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जैसे फल लग जाता है पेड़ के ऊपर, तो वो पेड़ पर ही रहता है। तो ऐसे ही ये फल की जैसी स्ट्रक्चर है, और ये पेड़ के ऊपर ही लगी हुई है, यानी पॉलीसाइफोनिया के ऊपर ही लगी हुई है। इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इट हैज़ कार्पोस्पोरेंजियम। कार्पोस्पोर जो है उसके अंदर बनते हैं कार्पोस्पोर्स बनते हैं, और कार्पोस्पोर्स बनते जो हैं वो हैं टू एन टाइप ऑफ कार्पोस्पोर्स। सारी की सारी स्ट्रक्चर थिक वॉल में कवर्ड होती है, जिसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं। अब ये जो कार्पोस्पोर्स निकलते हैं ये टू एन होते हैं, जब ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होते हैं तो ये बना लेते हैं टू एन टाइप का एक प्लांट, जिसे हम कहते हैं टेट्रा स्पोरोफाइट। देखिए फाइट, स्पोर और टेट्रा, यानी ऐसा स्पोर जो अपने
ऐसा प्लांट जो अपने ऊपर टेट्रास्पोर्स को धारण किए हुए होता है। और टेट्रास्पोर्स क्या चीज़ है? टेट्रास्पोर्स का मतलब है कि जब इसमें हो जाता है मियोसिस, अभी तक आप 2N पढ़ रहे हैं, यहाँ मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये सारे के सारे स्पोर्स चार चार के स्पोर्स के बंचेज में रहते हैं, जिसे हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। और ये अब एन स्पोर्स हैं जिन्हें हम टेट्रास्पोर कहेंगे। टेट्रास्पोर जर्मिनेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हालांकि टेट्रास्पोरोफाइट वाला स्टेज जो है इसे लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी साइकिल, यानी एक प्लांट से जो कहानी शुरू हुई थी वो पूरी साइकिल जो कम्प्लीट होती है वो टेट्रास्पोर्स के फॉर्मेशन के साथ ही कम्प्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन होता है। और अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलीसाइफोनिया में जो रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है देखा जाए तो यहीं से ही हो जाती है कि यहाँ होता है टेट्रास्पोरेंजियम इनिशियल। और टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल जो है इसमें वर्टिकल डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बनती हैं, कवर सेल एंड स्पोरेंजियल मदर सेल। कवर सेल के अंदर डिवीजन होते हैं और उससे दो या उससे ज़्यादा कवर सेल्स बन जाती हैं। इधर स्पोरेंजियल मदर सेल जो होते हैं उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे बनती है स्टॉक सेल एंड स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल है विच इज़ 2N इन नेचर, इसमें मियोसिस होता है और इससे बनते हैं टेट्रास्पोर्स। चार स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस से एक से चार बनते हैं और सब एन टाइप के होते हैं। टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से दो स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और दो स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस स्टेज के आने के बाद ही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया और द मेल पार्ट ऑन पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है विच इज़ द ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यहाँ आप देखिए एक स्पर्मेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये स्पर्मेटेंजिया यानी जहाँ पे स्पर्मेशियम बने हुए होंगे, इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो इस स्पर्मेटेंजिया जो है यहाँ पर ये कैसे लगे हुए हैं, देखिए स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स हैं यहाँ दोनों तरफ। कहाँ से बनी है स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स? ये बनी है पेरी सेंट्रल सेल से। बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज मेन एक्सिस, दिस इज सेंट्रल सेल ना, सेंट्रल एक्सिस, ये पेरी सेंट्रल एक्सिस, ये पेरी सेंट्रल एक्सिस। तो पेरी सेंट्रल एक्सिस की जो सेल्स हैं वो बनाती हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। और ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स होती हैं इन्हीं के ऊपर लगते हैं स्पर्मेटेंजिया। ये जो स्पर्मेटेंजिया है अगर आप यहाँ देख सकते हैं इसको और जूम करके कि यहाँ बीच में एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स लगी हैं और उन स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो हैं वो आगे जा करके बनाती हैं स्पर्मेशियम। और हर जो न्यूक्लियस है स्पर्मेशियम का वो एक एक स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन कर देता है। और ये वाले जो स्पर्मेशियम्स बने हुए हैं सारे के सारे इसके अंदर हैं, जब मैच्योर स्टेज आ जाएगी तो ये वॉल यहाँ से ब्रेक डाउन होगी और यहाँ से जो स्पर्मेशियम्स हैं वो सारे के सारे लिब्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पर्मेशियम इससे निकल करके बाहर आ जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो स्पर्मेशिया होते हैं दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द फ्लैजिला और एनी मोटाइल ऑर्गन। सो इफ़ दे वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट्स दे हैव टू फुली डिपेंड ऑन वाटर करंट ओनली। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है लिबरेटिंग स्पर्मेशिया, ये स्पर्मेशियम है, स्पर्मेशियम से ये स्पर्मेशिया जो हैं ये रिलीज बाहर की तरफ हो जाते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम फिलामेंट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द पेरी सेंट्रल सेल्स ऑफ द फीमेल ब्रांच इज फंक्शन एज द सपोर्टिंग सेल्स। ओके, नाउ द सपोर्टिंग सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 4 to 5 सेल्स कार्पोगोनियल फिलामेंट। नाउ द टर्मिनल सेल ऑफ द कार्पोगोनियल फिलामेंट ओके functions as the carpogonial mother cell and eventually forms the carpogonium. Now supporting cell cut in a cell on the basal side which is known as the basal sterile initial and
इस सेल ऑन लेटरल साइड विच फंक्शंस एज द लेटरल साइड इनिशियल. ओके, नाउ बेसल स्टराइल इनिशियल एंड लेटरल साइड इनिशियल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेटरल एंड बेसल इनिशियल सेल्स डेवलप्स ए फिलामेंट अराउंड फर्टिलाइज्ड ट्राइकोम. तो ये कैसा काम करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद इस पूरे को जो सेफ्टी देनी होगी वो सेफ्टी देने का काम बेसल स्टराइल इनिशियल सेल्स और लेटरल स्टराइल इनिशियल सेल्स करती हैं. तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है जहाँ ट्राइकोगाइन है, कार्पोगाइन फिलामेंट है और यहाँ कुछ सपोर्टिंग सेल्स साइड में लगी हुई रहती हैं. इस तरह से बनी हुई जो कार्पोगोनिया होती है उस कार्पोगोनिया से अब स्पर्मेंशिया आएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. द मेल पार्ट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लैजिला और मोटाइल ऑर्गन सो दे मूव टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट विद द हेल्प ऑफ द वॉटर करंट एंड गेट अटैच्ड विद द ट्राइकोगाइन. ओके, स्पर्मेंशिया इज हेयर, देयर इज द ट्राइकोगाइन. नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ द स्पर्मेंशियल एंड ट्राइकोगाइन wall leads to the path for the male gamete. Okay, so male gamete enters and the male nucleus fused with the egg to form a 2N zygote. Okay, so this is the fertilization. Now we are moving towards the post fertilization events. और जो आपके exams में question आते हैं दो अलग अलग तरीके के आते हैं. दे कैन आस्क अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड दे कैन स्पेसिफिकली आस्क अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो अब इसके बाद का जो इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. हेयर इज अ स्पर्मेशियम. स्पर्मेशियम यहाँ आ गया है, ट्राइकोगाइन के पास पहुँच गया है, ट्राइकोगाइन से अंदर एंटर कर गया है और यहाँ एग है. एग के पास पहुँचने के बाद यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. इसी दौरान आसपास से तैयारी होनी शुरू हो जाती है. क्या तैयारी होती है कि जो आपका बेसल और लेटरल स्टराइल फिलामेंट्स थे वो सब डेवलप होने लगते हैं. सपोर्टिंग सेल्स अगेन डेवलप होती हैं, ट्रांसवर्सली डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं और ये एक एक्जिलरी सेल का फॉर्मेशन करती हैं अपने टिप पर. ये जो एक्जिलरी, देखो ध्यान से देखना, एक्जिलरी सेल और कार्पोगोनियम जो है ना इनके बीच में एक ट्यूबुलर लिंक बन जाता है. इसके और इसके बीच में एक ट्यूबुलर लिंक बन जाता है. अब इस लिंक के बनने के बाद क्या होता है कि जो 2N जाइगोट है ठीक वो डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई में. इसमें से एक न्यूक्लियाई तो यहीं ऊपर ही रह जाता है और एक न्यूक्लियाई जो होता है वो कहाँ चला जाता है भाई, वो न्यूक्लियाई चला जाता है ऑक्सिलरी सेल के अंदर. अब ऑक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल, स्टराइल फिलामेंट और कार्पोगोनियम सेल ये सब फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में और ये बना देती हैं एक प्लेसेंटल सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं. प्लेसेंटल सेल जो होती है वो क्या करती है कि इससे एक आउटग्रोथ अराइज होती है और जिससे बनना शुरू होता है गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट. गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट और इसको बनने के लिए जो सबसे पहली सेल बनी है दैट इज़ गोनीमोब्लास्ट इनिशियल सेल. इसके बाद इसमें लगातार डिवीजन होते चले जाते हैं और गोनीमोब्लास्ट जो सेल है वो बनती चली जाती है. अब इस गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट की जो सबसे ऊपर की सेल है वो बनाती है कार्पोस्पोरेंजियम. कार्पोस्पोरेंजियम जो है वो अपने ऊपर लिए हुए होती है, ये देखिए ये कार्पोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर बने हुए हैं कार्पोस्पोर्स जो कि होते हैं 2N कार्पोस्पोर्स का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है. ये जो गोनीमोब्लास्ट सेल्स होती हैं इन्हें जो पोषण प्रदान करने का काम करती हैं वो सारी की सारी ये सेल्स जो फ्यूज़ हुई हैं प्लेसेंटल सेल, इसीलिए इन्हें प्लेसेंटल सेल कह रहे हैं, इन गोनीमोब्लास्ट सेल्स को पोषण देती हैं और इसी से बन जाते हैं कार्पोस्पोरेंजियम और कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर बन जाते हैं कार्पोस्पोर्स. ठीक है, तो अगर हम एक पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखाई देगा. कुछ समय बाद जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है उसे एक शीट से कवर कर दिया जाता है. वेजिटेटिव फिलामेंट्स की एक शीट इसके चारों तरफ चढ़ी जाती है और इसके बाद इस जो शीट है इसे कहते हैं पेरिकार्प और इस पूरे के पूरा जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं सिस्टोकार्प और द कार्पोस्पोरोफाइट.
और जो कार्पोस्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं कार्पोस्पोरोफाइट से विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्टियोल, और ये लिबरेट हो करके बनाएंगे आगे जा करके टेट्रास्पोर्स। और ये लिबरेट, तो इस तरह से जो पेरिकार्प है उससे कवर्ड स्ट्रक्चर सिस्टोकार्प कहलाता है। जस्ट लाइक एक आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं जैसे नीम की निमोली हो जाती है, ऐसी सी एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाती है विच इज़ कॉल्ड सिस्टोकार्प। और सिस्टोकार्प जो है इसके अंदर होंगे कार्पोस्पोरेंजिया, और कार्पोस्पोरेंजिया के साथ लगे हुए होंगे इसमें कार्पोस्पोर्स। कुछ समय बाद जो सिस्टोकार्प है उस सिस्टोकार्प में से ऊपर की तरफ एक ऑस्टियोल बन जाएगा, और उस ऑस्टियोल से कार्पोस्पोर्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जो कार्पोस्पोर है ये किसी भी सबस्ट्रेटम के पास जाकर के जर्मिनेट होना शुरू करता है। जर्मिनेट होकर के ये एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है जिससे दो सेल्स बनती हैं, एपिकल सेल एंड राइजोइडल सेल। जो राइजोइडल सेल है वो नीचे राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। एपिकल सेल में लगातार डिवीजन होते हैं जो कि एक्सेल फिलामेंट बनाता है, और राइजोइडल सेल जो है वो नीचे राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है, लेकिन इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ साइज़ में इलोंगेट होती है। और आपको मैंने बताया था कि राइजोइड में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी तरह से लगातार डिवीजन होते जाने के बाद यहाँ पर पॉलीसाइफोनस स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये जो प्लांट बड़ा होता है, ये प्लांट वास्तव में बड़ा होकर के क्या बनाता है भाई, टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ऑल 2N इन स्ट्रक्चर्स। अब जो आगे बनना है दैट विल बी एन स्ट्रक्चर। जो कार्पोस्पोर था उसने डेवलप कर दिया है, कार्पोस्पोर ने डेवलप किया है टेट्रास्पोरोफाइट, एक ऐसा फाइट यानी प्लांट जो अपने ऊपर टेट्रास्पोर्स को धारण किया हुआ है। टेट्रास्पोरोफाइट को इसने अपने ऊपर डेवलप कर दिया है। अब यहाँ कैसे व्यवस्था होती है आप देखिए कि जब इस टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो ये हमेशा पेरीसेंट्रल सेल से होता है, है ना। ये सेंट्रल साइफन है, ये सेंट्रल साइफन है, ये पेरीसेंट्रल साइफन है, यहाँ भी पेरीसेंट्रल साइफन है। तो इस पेरीसेंट्रल साइफन की कुछ सेल्स जो होती हैं उनसे हमेशा टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखिए पेरीसेंट्रल सेल है और इसी के साथ ही बनी हुई है फर्टाइल सेल, ठीक है। पेरीसेंट्रल सेल छोटी होती चली जाती है और यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल डेवलप हो जाती है, आउटर और इनर स्पोरेंजियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो स्पोरेंजियल मदर सेल है ये डिवाइड होकर के स्टॉक सेल और स्पोरेंजियल सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो स्टॉक सेल और स्पोरेंजियल सेल जो है ये बनने के बाद ये जो स्पोरेंजियम है ये साइज़ में बड़ी होती जाती है, अब ये कहलाती है टेट्रास्पोरेंजियम। और इसका जो न्यूक्लियाई होता है उसमें हो जाता है मियोसिस, मियोसिस होने के बाद बन जाते हैं टेट्रास्पोर्स। इसमें हो जाता है मियोसिस और मियोसिस होने के बाद बन जाते हैं इसमें टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स कैसे अरेंज होते हैं आप देख सकते हैं, ऐसे करके एक पीछे की तरफ होगा 1, 2, 3 और एक पीछे की तरफ होगा, तो ऐसे टेट्रास्पोर्स अरेंज हो जाते हैं। और ये जो टेट्रास्पोर्स हैं जब ये लिबरेट होते हैं तो ये लिबरेट होने के बाद एक नए प्लांट का, जैसे टेट्रास्पोर्स हैं यहाँ कहीं भी फ्लैजिला नहीं बनेगी, टेट्रास्पोर्स हैं इसमें क्रोमेटोफोर्स हैं, न्यूक्लियस है अपना, और कुछ समय बाद ये लिबरेट होकर के नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे जर्म ट्यूब निकलती है एक राइजोइड सेल बनेगी, एक ऊपर की तरफ एपिकल सेल बनेगी, लगातार डिवाइड होती चली जाएगी और ये अपना जो सिस्टम है साइफन्स वो बना लेगी और नीचे की तरफ राइजोइड बन जाएगी, और इस तरह से जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी एंड सेल से वहीं पर ही पहुँच जाती है। तो इस तरह से टेट्रास्पोरोफाइट बनने के बाद दोबारा हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, दे विल डेवलप मेल एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट्स, 2 male gametophytic plants and 2 female gametophytic plants। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया, जिसमें कि जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का फॉर्मेशन होता है। जो मेल गैमेटोफाइट है ये डेवलप करता है स्पर्मेटेंजिया, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बनाता है कार्पोगोनिया। स्पर्मेटेंजिया में बनते हैं स्पर्मेशिया और कार्पोगोनिया में बनते हैं एग्स। दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, कार्पोस्पोरोफाइट बनता है विच इज़ द 2N इन नंबर। देन कार्पोस्पोर्स इससे बन जाते हैं, कार्पोस्पोर्स जो हैं वो 2N टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ आपकी जो सेल्स होती हैं यहाँ पे मियोसिस होता है, टेट्रास्पोर्स बनते हैं N, और वो दोबारा मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो
दिस द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया. इट इज़ डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. अब कैसे है देखिए, दिस इज़ डिप्लो और हैप्लोन्टिक. डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. इसमें तीन तरीके के हमको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, थैलस दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर आपको गैमेटोफिटिक थैलस हैं, यहाँ पर टेट्राफाइट्स है और यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट है. तो तीन तरीके के थैलस दिखाई दे रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्राईफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और वी कैन से इट इज़ डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और ट्राइफेजिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल. आई होप आपको पॉलीसाइफोनिया समझ में आया होगा. और इसी तरह के वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर के तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी. और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.